इस तरह का लुक आपको दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं लुकिंग टेक। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मेरे उन सब्सक्राइबरों के लिए है, बोले तो उन दोस्तों के लिए जो मुझे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि हमें अपनी पल्सर 150 में सिंगल सीट को डबल सीट करने का कोई तरीका बताओ या फिर उसे करके दिखाओ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास उसके चार तरीके हैं। ओके, दो तरीके तो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो दो तरीके हैं उन तरीकों के लिए आपको बाहर मार्केट में ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो उन दो तरीकों में से एक तरीका जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सबसे सिंपल है और सबसे ही ईजी है। ओके, जिसे मैंने बहुत ही दिमाग लगाने के बाद इसको ढूंढा है। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो तरीका आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो तरीका है एक आयरन वायर। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये एक आयरन वायर है, ये एक सूत मोटा है और इससे थोड़ा और मोटा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पतला ना हो। इसकी हेल्प से आप अपनी सीट को बिना किसी छेड़छाड़ के और बिना किसी कटआउट के आप सिंगल सीट को डबल सीट का लुक दे सकते हैं, बोले तो स्प्लिट सीट का लुक दे सकते हैं। और वो आप कैसे देंगे वो मैं आप लोगों को अभी दिखा। जो दूसरा तरीका है दोस्तों, उस दूसरे तरीके में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी और वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे कह रहे थे कि आप अपनी बाइक में बैले पेन, बोले तो इंजन गार्ड इंस्टॉल करके दिखाओ। तो दोस्तों मुझे वो भी मिल गया, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मुझे ये भी मिल गया है, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिला। ये है उसका अदर पार्ट जो मिडल में लगेगा। ओके, हमारे इंजन के बीच में लगेगा जहाँ पे साइलेंसर वगैरह का पोर्शन आएगा। ओके, तो मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो भी बाद में दिखाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बैली पेन दिखा दिया है और इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो और इसको इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना पहला तरीका जिससे आप अपनी सिंगल सीट को स्प्लिट सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। आपको अपनी बाइक की सीट में किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा और अगर आप चाहें तो वापस अपनी बाइक की सीट को वही लुक दोबारा से दे सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे अपनी सीट को इस सिंगल सीट को स्प्लिट सीट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोस्तों ये गैप देख रहे हो आप, ये गैप ये हमें बताएगा कि हमारी सीट जो है इसी जगह से, इसी मिडल पॉइंट से स्प्लिट होती है। ओके, तो यहाँ पर हम एक इस तरह से निशान लगा लेंगे। ओके, साइड पे आपको एक ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने एक निशान लगा रखा है, ये देखिए ये है ना, ये निशान लगा लेते हैं। अब हम इस निशान को इस निशान से मैच कर लेंगे। ओके, ये लीजिए, ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम अपनी इस सीट को खोल लें। तो निशान लगाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस आयरन वायर का सीट के हिसाब से नाप ले लेना है। अब वो नाप कैसे लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये, इससे हम आधे इंच, लगभग आधे इंच ही बड़ा रखेंगे। ओके, और ये इस तरीके से नापते हुए हमें ये इस तरीके से इधर भी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। ओके, यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। ओके, फिर इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। चलिए देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने अपने सीट के हिसाब से कट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इसको फोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इतने पर फोल्ड मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ इसको, ताकि इसकी ग्रिप बन जाए। उसके बाद दोस्तों
ये देख रहे हैं आप लोग, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा खींच खींच के अंदर सरका देंगे और ये सरक जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये लगभग स्प्लिट सीट के जैसा ही हो गया हमारा। ओके, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे ये दब नहीं रहा क्योंकि एक्चुअली यहाँ से दब चुका है, बहुत ही टाइट दब गया है, और इधर से भी थोड़ा सा वैसे ही हो गया है। ओके, इस तरीके से हम अपने एक सिंगल सीट को एक स्प्लिट सीट का लुक दे सकते हैं। ओके, तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरह का लुक आपको दिखाई देगा डबल सीट का। ओके, ये सिंगल सीट से स्प्लिट सीट बन चुकी है। ओके, और देख सकते हो कोई बुरा नहीं लग रहा है ये। और इसका मैं दूसरा तरीका आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, आप भी अपनी बाइक में स्प्लिट सीट बनाना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, और हो सकता है वो इससे ज़्यादा बेस्ट हो और इससे ज़्यादा अच्छा हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये स्प्लिट सीट का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।